नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। मैं रमन एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं बता देना चाह रहा हूं कि चेन स्मोकर जो स्मोकिंग करते हैं हैवी लेवल पे या लोअर लेवल पे, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो आपको स्मोकिंग की तरफ लेके चलता है? बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, जो आजकल एक नया हमारे कल्चर चल रहा है जिसे हम हुक्का बार बोलते हैं, तो कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो आपको अपनी तरफ मोह लेता है, कैच लेता है, भागे चले जाते हैं? तो मैं बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, इसका पूरे का पूरा क्रेडिट राहु को जाएगा। धुआं, राहु को धुआं बोला जाता है। एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बॉलीवुड में हैं, मैं उनका नाम यहां पे नहीं लूंगा, तो वो बहुत ही हैवी लेवल पे चेन स्मोकर हैं। बहुत बार बात होती है तो ऐसी बातों में, तो मैं उनको बोलता हूं कि आप इस चीज से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए हानि पैदा करेगा। लेकिन अब हर बंदे का अपना एक अलग नेचर होता है, तो काफी कंट्रोल उन्होंने करा है अपने ऊपर। लेकिन कुछ उपायों के सहारे, कुछ रत्नों के सहारे, अगर आप भी चेन स्मोकर हैं, अगर आपको भी लगता है ना चाहकर भी आप इस तरफ भाग रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूंगा, रत्नों में सबसे बढ़िया रत्न है हेंसोलाइट, जिसे हम सिलोन का गोमेद बोलते हैं। पंच धातु में दिन बुधवार शाम या शनिवार शाम 6 बजे के बाद पूजा करवा के, शुद्ध करवा के, लैब टेस्टेड हाई ग्रेविटी 4, इसे आप पहनिएगा, ग्राफ धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल इस चीज से आप बाहर आ सकते हैं। पत्थर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी राहु से रिलेटेड, जो हमारे व्यूवर्स भी हो सकते हैं इसमें, हमारे जो भी हैं जो इस चीज को कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि प्लीज 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 आप इसे अवॉइड करें। इंफॉर्मेशन दोस्तों बहुत छोटी, फायदे बहुत बड़े। अब आपने करना क्या है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब करिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे 94.3 माई FM और ऐसे ढेरों सर्च इंजन के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आप कॉल करके कुंडली का पर्सनली विश्लेषण या टेलीफोनिकली मेरे से करवा सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।